प्रिय मित्रों, कोरोना के खिलाफ जंग के हमारे ये पांचवा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की छोटी गलतियां जिसको सुधार नहीं पाता। अक्सर हम कहते हैं कि यदि गलती हो गया है तो मान लीजिए, अपन और आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग भी ऐसे गलतियां करते हैं जिसका समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसमें सबसे पहला स्थान है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन। बोरिस जॉनसन को बताया गया था कि कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पाएंगे और आपको सतर्क रहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिटिश कल्चर के मुताबिक ही मुझे जीना है। हैंडशेक करना, गले लगाना, ये सब हमारे कल्चर है। ब्रिटिश एक फ्री कंट्री है, हम हमारे संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों तक को हाथ मिला लिया। किसी की बात नहीं सुना। अभी वो वेंटिलेटर पर है। दूसरा, ब्रिटेन का ही प्रिंस चार्ल्स, इनको बताया गया था कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। अक्सर ये सवाल आते हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग है या फिजिकल डिस्टेंसिंग। हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कभी कभी हमको सोशल मीडिया से भी हम लोग एक दूसरे को संपर्क में रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग से अच्छा होगा फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाए रखना। प्रिंस चार्ल्स को उनके सलाहकारों ने कहा कि आपको फिजिकली डिस्टेंस रखना होगा लोगों से, उनके हाथ मत मिलाओ, उनसे दूर रहकर बात करिए, मास्क पहनिए, इस प्रकार की जो हेल्थ रिलेटेड जो सुझाव है इन्होंने नहीं माना। आज प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस से पीड़ित है और वे ट्रीटमेंट कर रही है। दूसरा है सोफी ट्रूडो, कनाडा के पीएम की पत्नी है। इनको हेल्थ डॉक्टर लोगों ने सलाह दिया था कि आप बीमार लोगों से दूर रहिए, बाहर जाना कम कर दीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। नहीं सुना, आज वे भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अभी वो क्वारंटाइन में है। रूटी गोबर्ट, ये बास्केटबॉल दुनिया के जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर है। जब इनको कोरोना वायरस के बारे में कहा तो इन्होंने उसकी मजाक बनाया। वे केवल 27 साल का था, उनको लगा कि यंग लोगों को कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता, जैसे इटली के युवक लोगों ने सोचा, और उन्होंने कोरोना वायरस के पुतला बना के उसके चारों ओर नाच के दारू पीकर दुनिया को बताया कि हम यंग लोग हैं। आज रूटी गोबर्ट को भी कोरोना वायरस है, ध्यान नहीं दिया।
इन महान हस्तियों के चार लोगों का नाम मैंने आपको बताया, वैसे ही डैम फॉक्स बॉलीवुड स्टार है। इन्होंने भी कोरोना वायरस को दिए गए किसी भी सुझाव को नहीं माना और लोगों से मिलना, अपना काम करना, रोज जैसे वे रोज के अपना रूटीन था वैसे ही चलाते गया। आज ये भी कोरोना वायरस की चपेट में है। पीटर टंडन ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री है, ये भी कोरोना वायरस को दिए गए सुझाव को नहीं माना और अपने अनुसार कार्य करते रहा। आज कोरोना वायरस प्रभावित लोगों में ये भी शामिल है। कोरोना वायरस ने स्वास्थ्य मंत्री, उप स्वास्थ्य मंत्री ईरान का डराज हरीची, इन्होंने कोरोना वायरस की प्रकोप के समय में अमेरिका गया, लोगों से मिला, अपने काम करते रहा, कोई चीज को नहीं माना और इन्हें भी आज कोरोना वायरस है। मेट हनकॉक, ये ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें भी कोरोना वायरस है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सचिव को भी कोरोना वायरस है। हमने इन महान व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया। मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य सचिव ने, जो सभी विदेश से लौटने वाले लोगों को जो कोरोना वायरस को मुकाबला करने के लिए जो पॉलिसी बनाया था उसको नहीं माना, अपने बेटा विदेश से आया ठीक ठाक अपने घर में ही रहा, क्वारंटाइन नहीं किया, आज वे भी इसकी चपेट में है। साथ साथ में अन्य कई आईएएस लोगों को भी साथ में ले लिया, सब आज क्वारंटाइन में है। क्या है कि हमारे मिस्टेक को हमें सीखना पड़ेगा, मिस्टेक से हमें सीखना होगा, क्योंकि इन बड़े बड़े लोगों ने मिस्टेक कर दिया, आज वे सब कोरोना का चपेट में आ चुका है। क्या हम जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमें जो गाइडलाइन दी जा रही है, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? क्या हम घर से निकलकर कानून तोड़ के चुपचाप हर जगह घूमते हैं? क्या कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमें यह सहायक होगा? ऐसे एक और हस्ती है जिसके बारे में नहीं बोले तो उचित नहीं होगा, वो है मिलान की मेयर। उन्हें यह खबर मिला कि चीन में कोरोना वायरस की प्रकोप बहुत ज्यादा है और वायरस सब जगह फैल रही है, तो लोगों ने, चीनी लोगों को थोड़ा दूर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने चीनी लोगों को बुलाकर उन्हें गले लगाया, उनके साथ फोटो खिंचवाया, हाथ मिलाया और लोगों को कहा कि हमें सबको अपनाना चाहिए। और आज मिलान कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित स्टेट्स में से, इटली के स्टेट्स में से एक है जिसे सबसे ज्यादा वायरस पाए जाते हैं। हमें कई चीज़ों को, हम सोचते हैं कि हम बड़े सोच रखने वाले हैं, हम दिमाग से काम करते हैं, हमें हर चीज़ की तरक चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसे ही स्थिति आती है जहां पर हमें तरक नहीं चाहिए, हमें उसको फॉलो करना है। और अभी एक ऐसे समय आया है जहां हमको तरक नहीं करना, शासन के साथ मिलकर इन बड़े बड़े लोगों के मिस्टेक से सीख के, उनके मार्गदर्शन, उनके निर्देश, उनके कानून का पालन करके, ना केवल हम हमारे जीवन को सुरक्षित रख रहे हैं, ना केवल हम हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन पूरे देश को हम सुरक्षित रखेंगे। आइए मित्रों, कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें हम अपना सहयोग दें, घर में रह के बार बार हाथ साफ करके, मास्क लगा के,